कुरान करीम ने जो सदक़ात के मसारिफ़ बताए हैं वो आठ बताए हैं। इनमें सदक़ात लिल फ़ुक़रा, सदक़ात और ज़क़ात ये इसका मसरफ नंबर एक फ़कीर फ़ुक़रा हैं। फ़ुक़रा उस आदमी को कहते हैं जिनके पास माल असबाब तो है लेकिन निसाब के बराबर नहीं है, यानी कि मसलन अभी निसाब है 46,300 कुछ रुपये, तो उसके पास मसलन 20,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये हैं, 35,000 रुपये हैं, निसाब के बराबर नहीं है, तो ये फ़कीर कहलाएगा। वल मसाकीन, दूसरा है मिस्कीन। मिस्कीन किसे कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो, नहीं फ़कीर तो वो है ना जिसके पास कुछ ना कुछ हो, जैसे मैंने बताया 30,000 35,000 रुपये हैं, 40,000 रुपये हैं, लेकिन मिस्कीन वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। जो अहनाफ हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह उनके नज़दीक सही तारीफ़ फ़कीर और मिस्कीन की यही है, यानी फ़कीर वो है जिसके पास कुछ ना कुछ हो और मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो। वल आमिलीन आलिया, तीसरे नंबर पे वो है आमिलीन। आमिलीन का मतलब ये है कि वो लोग जो ज़कात उशूर वग़ैरह वसूल करके और गवर्नमेंट के इदारों में जमा करते हैं, लेकिन ये जो ज़कात वसूल करने वाले लिए, एक तो वो लोग होते हैं जैसे आजकल कुछ मदरसे वाले होते हैं वो ज़कात वसूली का काम करते हैं, कुछ तंजीमों वाले होते हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो आमिलीन नहीं है। ये जो सफ़ीर होते हैं मदरसे के वो आमिलीन नहीं है, इससे मुराद सिर्फ़ वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, इस्लामी हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को मुंतखब किया जाता है, मुलाजिम होते हैं, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि लोगों से जाकर ज़कात वसूल करें और उशूर वसूल करें, ये चीज़ें वसूल करें, तो उनको उसी ज़कात में से उसी उशर में से उनको वो दिया जा सकता है, उनकी तनख्वाह दी जा सकती है, जो ज़ाहिर उनकी ज़रूरत की हद तक होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी बल्कि उनकी ज़रूरत की हद तक होगी, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करते हैं। तो अगर गरीबों से आप पूछेंगे कि फ़लाने लोग जो गवर्नमेंट के फ़लाने मुलाजमीन हैं वो आपके लिए चंदा वो ज़कात वसूल करते हैं, तो क्या आपकी तरफ से इजाज़त है कि हम इनको ज़कात में से तनख्वाह दे दो, क्या बोलेंगे? दे दो, यही बोलेंगे। तो इसलिए इस लॉजिक की वजह से, इस फ़लसफ़े की वजह से उन आमिलीन को, उनको भी ज़कात में से, उशूर में से तनख्वाह वगैरह देना जायज़ है, लेकिन आम जो सफ़ीर हैं, आम जो चंदा वसूल करने वाले, उनके लिए जायज़ नहीं। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, चौथी सूरत है मुअल्लफ़त क़ुलूब। मुअल्लफ़त क़ुलूब किसे कहते हैं कि मुअल्लफ़त क़ुलूब के वैसे कई माने हैं, लेकिन जो अभी इस ज़माने में जो इसके माने हैं वो ये हैं कि एक नौ मुस्लिम, एक आदमी पहले हिंदू था, ईसाई था, सिख था, और अभी मुसलमान हो गया और वो गरीब भी है, नौ मुस्लिम है और गरीब है, तो वो इसका मसरफ़ है। ज़ाहिर है एक नौ मुस्लिम गरीब को अगर आप ज़कात वगैरह का पैसा देंगे, मुस्तहिक तो है ना वैसे भी, वो गरीब तो है तो उसको तो वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन उसको देने के वजह से उसके दिल में क्या होगा, मुसलमानों की मज़ीद हमदर्दी पैदा होगी कि देखो ये नौ मुस्लिमों का कितना ख्याल करते हैं, मुसलमान कितने अच्छे हैं कि हमारा इतना ख्याल रखते हैं। पाँचवा मसरफ है वफिर रिकाब। रिकाब का मतलब है, एक तो पुराने ज़माने में रिकाब का मतलब था और आज एक नया एक माने पैदा हो गए हैं। तो पहले ज़माने में इसका मतलब होता था कि वो ग़ुलाम जिसको इसके आका ने ये कहा हो कि तुम इतने पैसे मुझे दे दो तो तुम आज़ाद हो जाओ। पहले ज़माने ग़ुलाम बांधी हुआ करते थे, उसको ख़रीदा करते थे, तो अगर वो ग़ुलाम कहे या आका ख़ुद उसको पेशकश करे कि आप इतने लाख रुपए मुझे दे दो इकट्ठे करके, तो फिर इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे, तो वो बेचारा वो कमाता था और पैसे जमा करता था। तो अब ऐसे आदमी को, एक ग़ुलाम को ग़ुलामी से निकालना बहुत बड़ी नेकी है, ग़ुलाम को आज़ाद करना बहुत बड़ी नेकी है, तो इस ग़ुलाम की आज़ादी में आप क्या कर रहे हैं, हिस्सा मिला रहे हैं और उसको ज़कात से इमदाद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। ये पहले ज़माने में मतलब था, और लेकिन अब तो वो ग़ुलामों का रिवाज ही ख़त्म हो गया, तो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि वो जो कैदी होते हैं ना, बेगुनाह कैदी होते हैं, मजलूम बेगुनाह कैदी होते हैं जेलों में पड़े हुए साल हर साल से, और उनके पास वो गरीब भी होते हैं, तो उनकी जान, उनको छुड़ाना, ये भी रिकाब में शामिल हो सकता है। और छठी चीज़ है अलगारिमीन। गारिमीन का मतलब है मकरूज। एक आदमी मकरूज है, जैसे आजकल के जो हालात में लोगों पर दुकानों का किराया चढ़ गया है, किसी पर मकान का किराया चढ़ गया है, या वो कोई वैसे ही पहले से मकरूज है, कितने लाखों रुपए का मकरूज है, और इन हालात की वजह से और वो नीचे चला गया, तो अब ऐसी सूरत में कोई बंदा, अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी ज़कात निकलती है, तो वो ऐसे किसी आदमी को जिस पर किराया चढ़ा हुआ है उसका किराया, लेकिन है गरीब होना ज़रूरी है, वो आदमी गरीब भी हो और किरायादार भी हो,
तो उसका किराया उठाने के लिए, चाहे वो दुकान का किराया है, मकान का किराया नहीं है, मकान का किराया है या और कोई कर्ज़ा है, उससे कर्ज़ा उतारने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये गारिमीन है। और सातवीं चीज़ है वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में। अल्लाह के रस्ते से मुराद क्या है? एक तो जैसे कि मुजाहिदीन हैं, वो मुजाहिदीन जो गरीब हैं, यानी कि उनके पास अभी कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने जज्बे जिहाद दिया है, लेकिन वो कुछ ख़रीद नहीं सकते, वो जा नहीं सकते, तो जाहिर है जब वो गरीब हैं तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, वो ज़कात के पैसों दे। इसी तरह तबलीगी हजरात हैं, तबलीग जमात के साथी हैं, वो गरीब हैं, उनको जाना है चिल्ले में साल में, और आप उनको ज़कात के पैसे दे दें, चलो ये साल लगा के आ जाए। ये बेचारे वो कुछ गरीब तलबा होते हैं, वो चिल्ले 4 महीने के लिए जाना चाहते लेकिन पैसे ही नहीं होते, तो आपने इनको दे दिए। तो ये सारे अल्लाह के राह में, अल्लाह के राह में शामिल है। और इसी तरीके से जो मदरसे के तलबा होते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में निकले हुए होते हैं। तो दीन की मदद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जो भी निकला वो उसको आप दे सकते हैं। और आखिरी चीज़ है वबिन सबील, मुसाफिर। मतलब क्या है मुसाफिर? एक आदमी अपने घर में है तो बड़ा पैसे वाला है, लेकिन सफ़र में निकला, किसी ने जेब काट ली, सारे पैसे ख़त्म। कोई आदमी हज पे गया, घर में तो पैसे है लेकिन हज पे वो मामूली सी 1 लाख 2 लाख रुपए लेके गया, तो वहाँ सारे पैसे खर्च हो गए, अब वहाँ कुछ भी नहीं है, सारा पैसा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से मंगवाने में बड़ा मसला आ रहा है, फ़िलहाल उसको ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जो मुसाफिर हैं और उनके पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो वो लोग भी क्या हैं? ज़कात के मुस्तहिक हैं और सदक़ात के मुस्तहिक हैं। ये तो अल्लाह ताला ने 8 चीज़ें गिनवाई हैं, इसके अलावा ये एक मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा है, ये नहीं कहा कि ये 8 ही हैं, इससे मिलते जुलते लोग भी ज़कात के मसारिफ में शामिल हैं। जैसे कि कोई मरीज़ है, हॉस्पिटल में कोई मरीज़ है और वो गरीब भी है, उसके पास बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, उसके कैंसर का इलाज हो रहा है, तो आपने उसकी मदद कर दी। तो यह और भी, जैसे मैंने और भी बहुत सी सारी सूरतें इसमें हो सकती हैं। तो ये सारे वो सूरतें हैं जिसमें ये ज़कात के मसारिफ हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है नंबर एक बात कि वो जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो आपकी मियाँ बीवी में से ना हो, नंबर दो वो वालदैन में से ना हो, यानी कि माँ बाप में से ना हो, दादा दादी नाना नानी में से ना हो, नंबर तीन औलाद में से ना हो, बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी में से ना हो, नंबर चार वो सैयद हाशमी ना हो, सैयद हाशमी वगैरह ना हो। तो इन बातों को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किसको हम ज़कात दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। दुआ के अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान किसने पढ़ाया था? आपने? और अकेले? अच्छा। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله مري غناكم معاف فرما يا الله مري غناكم معاف فرما يا الله مري غناكم معاف فرما يا الله ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما ہمیں یا اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما شہرت پسندی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ کبر سے تکبر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی روحانی امراض ہیں ان سب سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما تواضع نصیب فرما یا اللہ لوگوں کا اچھا چاہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ خلق خدا کی اور یا غریب لوگوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایک انسان کی جان بچانا یا سارے انسانوں کی جان بچانے کی طرح ہے یا اللہ اور ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کی طرح ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو انسانیت کے محافظ ہیں انسانیت کے لیے یا اللہ خدمت کرتے ہیں انسانوں کی مدد کرتے ہیں یا اللہ میں ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما ہمیں اخلاص نصیب فرما یا اللہ ہمیں کامل نمازی بنا سچا نمازی بنا یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما
सच्ची तौबा नसीब फरमा। हर किस्म की वबाओं से, हर किस्म की अमराज से हमें, हमारी औलादों को, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। अल्लाह करोना वायरस से हमें, हमारी औलादों को, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। अल्लाह सदक़ात की बरकत से, तरावी की बरकत से, अल्लाह रोज़ों की बरकत से, ये आए भी तमाम बलाओं को, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह हम खुसूसन हमारे इलाके को, अल्लाह और पूरे पाकिस्तान को, अल्लाह इसको इस करोना वायरस से महफूज फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफ इनको आबाद फरमा, उसकी बहारों को दोबारा आबाद फरमा। अल्लाह मदारिस को, मसाजिद को आबाद फरमा, खानकाहों को आबाद फरमा। अल्लाह जो कुरान यहाँ पढ़ा गया है, या अल्लाह उसको कबूल फरमा, या अल्लाह उसको कबूल फरमा। इसमें जो कमी बेशी रही है, या अल्लाह रह गए हो, या अल्लाह महज अपने फजल इनायत से इसको माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब खताओं के पुतले हैं, अल्लाह हमारे खताओं से दरगुजर फरमा। या अल्लाह बेहतरीन खताकार वो जो तौबा करता है, या अल्लाह हमसे जो कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से उससे तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह या अल्लाह जिस इस मजलिस में या इस महफिल में जितने भी हाजरीन हैं, उनकी जो जायज़ मुरादें अल्लाह उन सबको पूरा फरमा। जिसके जो जायज़ मुरादें अल्लाह उसको पूरा फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तअअज़ाक मिन्हु नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمه। क्या करना है? कौन सी